जब एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, कोई पॉइंट किसी को समझाना हो, और अगर आप बोलें कि देखो जैसे ऐसा हुआ तो वैसा, तो आप उस एग्जाम्पल को थ्योरी नहीं मान लेते, वो सिर्फ एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल अगर कोई दे रहा है तो क्या आप एग्जाम्पल का एविडेंस ढूंढते हैं? अरे भाई वो तो एग्जाम्पल है बात को समझाने के लिए। इसी तरह से पुराण के एविडेंसेस ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि पुराण में बहुत सारी फिक्शनल स्टोरीज हैं वेद की थ्योरीज को समझाने के लिए। जैसे आप पुराणों में पढ़ेंगे कि पहाड़ का विवाह नदी से हो गया, सुनते हैं ना ऐसी कहानियां, पेड़ पर बैठे बंदर ने मगरमच्छ से बात की। अब आप सोचते हैं कि भाई पहाड़ कैसे नदी से विवाह कर सकता है, क्या ये संभव है? बंदर कैसे मगरमच्छ से बात कर सकता है? और बात कर भी रहा था तो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा था? हिंदी में कर रहा था, मराठी में कर रहा था, गुजराती में कर रहा था? ये सब प्रश्न आपको परेशान करते हैं। और कई बार इसीलिए बहुत सारे मजाक के टर्म्स में लोग कहते हैं, अरे यार ये किस तरह की बातें हैं। पर बेसिकली दिस इज बाय दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड दैट पुराण्स आर फुल ऑफ एग्जांपल्स, फिक्शनल स्टोरीज, यू नीड नॉट टू फाइंड एविडेंसेस ऑफ इट। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अ पॉइंट। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक श्लोक बताया कि घोड़े की लगाम सारथी लगाता है, जैसे मन की लगाम बुद्धि को लगानी चाहिए। तो अब आप घोड़ा ढूंढने निकल गए, कौन सा घोड़ा, मेरा घोड़ा पहले बताओ। अरे भाई घोड़ा एग्जाम्पल दिया है। इसी तरह से पुराणों में एग्जाम्पल्स हैं। नाउ दीज 18 पुराण्स आर, लेट्स एन्यूमरेट देम वन बाय वन। फर्स्ट इज अग्नि पुराण, सेकेंड इज भागवत पुराण, थर्ड इज भविष्य पुराण, फोर्थ इज ब्रह्म पुराण, एंड द फिफ्थ इज ब्रह्मांड पुराण। अग्नि पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण एंड ब्रह्मांड पुराण। भागवत पुराण आपने कई जगह ऑर्गेनाइज होते हुए देखा होगा, बहुत सारे लोग भागवत पुराण ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। सो इट इज वन ऑफ द 18 पुराण्स। देन कम द नेक्स्ट इज कुर्म पुराण, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण हैपेंस आफ्टर द डेथ in the family, because that talks about the philosophy of life after death. So Garuda Puran ka paath family mein death hone ke baad kiya jata hai. Garuda Puran, Kurma Puran, Matsya Puran, Markandeya Puran, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण
And the last is Vaivatsya Puran. So these are 18 Purans for you. So we have seen 4 Ved, 4 Upaved, 11 Upanishad and 18 Purans. Is it clear? Now apart from these scriptures, there is another term called Itihas. Another term called Itihas. जैसे पुराणों का आपको प्रमाण नहीं मिलता पर इतिहास का प्रमाण मिलता है. The difference between Puran and Itihas is that you don't get an evidence of Puran but you get an evidence of Itihas. And primarily the two documents of Itihas, the two epics of Itihas are Ramayana and Mahabharat. Ramayana and Mahabharat. और अगर आप और करें तो रामायण के evidences मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, रामेश्वरम भी है, लंका भी है, अयोध्या भी है, किष्किंधा भी है. वो प्रमाण आपको मिलते हैं. महाभारत के प्रमाण मिलते हैं, हस्तिनापुर भी है, कुरुक्षेत्र भी है, इंद्रप्रस्थ भी है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पुराण एंड इतिहास. इतिहास इज कंसिडर्ड टू बी सम पॉइंट इन हिस्ट्री, दिस मस्ट हैव हैपेंड. पुराण के बारे में प्रमाण नहीं मिलते. नाउ इफ यू मूव अहेड, भगवद गीता is considered as 12th Upanishad. Srimad Bhagavad Gita is considered as 12th Upanishad. Though pure Upanishads in that classification are only 11, but even Bhagavad Gita is considered as 12th Upanishad. Is that clear? Now these are about the scriptures which are the predominant primary scriptures of Sanatana Dharma, which is also known as Hinduism. Iske baad in documents par bahut sari commentaries milti hain. Jaise aapke bear act hote hain aur us bear act par alag alag authors ki commentaries hoti hain. Aisa hota hai na? IPC Bear Act है, IPC किसी author की भी है. CRPC Bear Act है, CRPC पर commentary भी है. Bear Act है, commentaries है. ऐसे ही इन scriptures की commentaries भी आपको बहुत सारी मिलती हैं. Those commentaries are classified into 4 categories. ये जो treaties हैं, commentaries हैं on these scriptures are classified into 4 categories. They are भाष्य, फर्स्ट इज भाष्य, द सेकेंड इज टीका, द थर्ड इज ब्राह्मण एंड द फोर्थ इज आरण्यक. भाष्य, टीका, ब्राह्मण and Aranyak. Aranyak means, Aranya means jungle, and the commentaries which are written in absolute isolation, when in old age the rishis and munis used to go to jungle to focus and to write some commentary on these scriptures, those are called Aranyak. So this is all about the basic knowledge, the theoretical understanding of the main scriptures of the Sanatana Dharma, which is also known as Hinduism. And please understand that one more misconception which is prevalent in the society
is that how can there be so many gods and goddesses? एक बहुत prevalent confusion है, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है, बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा है पर आंसर नहीं मिलता है. अभी तो गणपति गए हैं और अभी नवरात्रि आ गई, अभी एक गॉड गए दूसरी गॉडेस आने वाली है, तो ये क्या है? क्या हमारे संस्कृति में इतने सारे गॉड्स गॉडेसेस हैं? कई लोगों को तो ये भी मन में प्रश्न आता है, मैं किस भगवान की पूजा करूं? बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, क्या मैं गणेश जी की पूजा करूं कि हनुमान जी की करूं, क्या मैं रामचंद्र जी की पूजा करूं कि देवी माँ की करूं? ये जो बहुत सारे प्रश्न हैं, इसके उत्तर को आप समझिए कि ये जो मल्टीपल गॉड्स का कंसेप्ट आपको कंफ्यूज करता है, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट, इट्स ऑल सिंबल्स. आप अपने अंदर जिन गुणों को स्थापित करना चाहते हैं, जिन गुणों को इंस्पायर हो अपने अंदर उत्पन्न करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, आप उस सिंबल के उस कैरेक्टराइजेशन से प्रभावित होकर उसकी आराधना कर सकते हैं और उसे आत्मसात कर सकते हैं. दिस सिंबल, देयर इज नो फाइट बिटवीन दिस गॉड और दैट गॉड. ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने प्रसाद अगर गणपति को चढ़ा दिया तो हनुमान जी गुस्सा हो गए, ऐसा नहीं होता है. आपकी सच्ची भावना श्रद्धा से आपने जो भी अर्पण किया वो भगवान तक पहुंच गया. नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू एंड दिस सेशन.